हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको रिलेशनशिप के बारे में कुछ टिप्स दूंगी। रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, LDR। आजकल ज़माना बदल गया है पहले के मुकाबले। आजकल ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप देखी गई है, दूर होते हुए भी रिश्ते को यूँ संभाल रहे नए ज़माने के जो बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, है ना, तो कैसे कर रहे हैं वो, कैसे निभा पा रहे हैं? तो आइए आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। तो आज का जो जनरेशन है, यूथ है, या तो स्टडी से रिलेटेड दूसरी सिटी में जाता है, या फिर जॉब से रिलेटेड दूसरी सिटी में जाता है, और या फिर दूसरे देश में यानी कि अदर कंट्री आम हो चुका है ना। तो ऐसे में जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है वो भी आम हो गई है। तो इस तरह की रिलेशनशिप को संभालने के लिए जो युवा है, जो यंग जनरेशन है, वो किस तरह तरीके अपना रही है और कैसे तरीके अपनाने में विश्वास रखती हैं, तो आइए हम आगे यही जानेंगे कि दूर होते हुए भी रिश्ते को संभाल रहे ये जो युवा जनरेशन है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे निभा रहे हैं। आपके भी काम आएंगे ये टिप्स, तो ध्यान से सुनिएगा। मे बी आप भी किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो आइए जानते हैं कैसा होता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, और क्या क्या कर रहे हैं लोग रिलेशनशिप निभाने के लिए, और कैसे कैसे रिलेशनशिप होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में, कैसे कैसे रिलेशनशिप आते हैं ना। तो चलिए बात करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यानी वो रिश्ता जिसमें दो प्यार करने वाले एक दूसरे से दूर हो लेकिन फिर भी रिलेशनशिप निभा रहे हो। इस तरह के रिश्ते को संभालना आसान नहीं होता है। कपल के एक दूसरे से दूर रहना उनके बीच में कई तरह की परेशानियों को जन्म दे सकता है। कुछ इसे संभाल लेते हैं तो कुछ का सालों पुराना रिश्ता भी दूरी की भेंट पर चढ़ जाता है। ये ऐसा दर्द देता है जिससे उभर पाना आसान नहीं होता। और पहले के मुकाबले में आज के ज़माने में जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है वो कॉमन ही हो गई है, जिस वजह से सिर्फ जुड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अब रेयर नहीं रही है। तो आज की जनरेशन इस तरह के रिश्ते को संभालने के लिए क्या तरीके अपना रही है, कैसे संभाल रही है, चलिए जानते हैं। जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है ना वो भी बहुत तरह का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक जैसी नहीं होती लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, है ना। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आमतौर पर दो तरह की होती है। एक तो वो जिसमें दो लोग मिलते हैं, उनमें दोस्ती होती है और फिर प्यार का रिश्ता बनता है, और फिर किसी वजह से, किसी वैलिड रीज़न से एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है। इसके पीछे स्टडी से लेकर या फिर जॉब से लेकर, जॉब के लिए बाहर जाने जैसे रीजन्स हो सकते हैं। और वहीं दूसरी तरह से वो कपल्स आते हैं जिनकी मुलाकात ऑनलाइन हुई है और बातचीत करते करते बात प्यार तक पहुंच जाती है। ऐसे कपल्स के बीच आमतौर पर देखा गया है कि कम ही मुलाकात हो पाती है, और इस कारण वे ज़्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को ही निभाते दिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गलत फहमी का जन्म लेना तो आम हो गया है ना। तो कपल के बीच में कम मुलाकात होती है, और तो गलत फहमियाँ ओबियसली पैदा होना जायज़ है, क्योंकि हम साथ नहीं रहते और मिलते भी बहुत कम हैं। इतना ही नहीं, इनके रिश्ते में कई तरह की गलत फहमियाँ आ भी सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे एक दूसरे को देख नहीं सकते, ना ही मिल सकते हैं। ऐसे में वो सामने वाले की कंडीशंस जो हैं उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाते। अब हम एग्ज़ाम्पल के लिए ले लेते हैं। अगर आपका पार्टनर
आप उसको मैसेज करो, वो काफ़ी देर तक आपको रिप्लाई ना करे, तो आपको ऐसा लग सकता है कि वो इग्नोर कर रहा है, राइट? जबकि रियल में ऐसा कुछ नहीं होता, मे बी वो किसी मीटिंग में बिजी हो, मे बी वो किसी काम में बिजी हो, है ना? तो बस ये चीज़ हो सकती है। और सेकंड, कम्युनिकेशंस गैप आने ही ना दें अपने रिलेशनशिप में। बहुत सारे लोग कहेंगे कि रिश्ते में थोड़ा बहुत साइलेंस वाला टाइम आना चाहिए, या राइट आना चाहिए, मगर उसकी वजह से गलत फहमियाँ इतनी ना बढ़ जाएं कि पूरा रिश्ता ही ख़त्म कर दें। किसी भी रिश्ते में कम्युनिकेशन ही एक ऐसा एलिमेंट होता है जो दो लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। ऐसे में बातें होती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर बात होगी तभी तो बात बनेगी, है ना? सरप्राइज दें। अगर आप एक ही देश में रहते हैं, एक ही कंट्री में रहते हैं, तो हालात इसकी मंजूरी दें तो एक दो महीने में पार्टनर से ज़रूर मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वीडियो कॉल एक दूसरे के सामने होने से ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है यार। आप चाहे तो पार्टनर को सडनली पहुँच कर सरप्राइज कर दें, या फिर अभी जिस परिस्थिति में, या फिर जिस मतलब जिस परिस्थिति में हम लोग हैं, उनसे मिलने जाना खतरे से खाली है नहीं, क्योंकि अब कोविड चल रहा है ना, तो हम इस स्टेज में हैं, क्योंकि मिलना इम्पॉसिबल हो सकता है। बट ऐसे भले ही थोड़ा ओल्ड फैशन क्यों ना लगे, लेकिन आप उन्हें लेटर लिखकर भेज सकते हैं, जो काफ़ी रोमांटिक होगा आपको वो लेटर पड़ेगा। और अगर आप लेटर नहीं भेजना चाहते, तो आप उसकी जगह ईमेल या फिर लॉन्ग मैसेज का सहारा ले सकते हैं, जिससे आप अपने दिल की वो बातें लिख सकते हैं जिन्हें आपने अभी तक उनके सामने एक्सप्रेस नहीं किया हो। वैसे आप चाहे तो एक वीडियो में भी ये भावनाएं जाहिर कर सकते हैं, और साथी को इसे भेजकर बहुत स्वीट सा सरप्राइज भी दे सकते हैं। ये छोटी सी लगने वाली चीज़ें रिश्ते में स्पार्क को ज़िंदा रखेंगी। रोक टोक से बचें। हर रिश्ता एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वैसे ही ज़िंदगी में दोस्तों का होना और उनके साथ वक्त बिताना ज़रूरी है। तो उसकी जगह अपनी ज़िंदगी में रखें और अपने साथी को भी रखने दें। उन पर ज़बरदस्ती रोक टोक ना लगाएं, नहीं तो चीज़ें बिगड़ सकती है। भले ही आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में क्यों ना हो, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपके अलावा आपका पार्टनर किसी भी दूसरे व्यक्ति से बात ना करें या फिर ना मिले, तो उसके लिए रिश्ता ना दम घोटू बन जाएगा, है ना? वो उसका दम घुटने लगेगा ऐसे रिश्ते में। कपल की लाइफ में दूसरे लोगों का होना भी ज़रूरी है, इसके अलावा रिश्ता उबा देने वाला बन जाएगा। उबने लगोगे आप उस रिश्ते से, और आपको लगेगा कि इस रिश्ते से बाहर निकल जाना ही बेटर है। टाइम डिसाइड करें। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला हर समय फ्री हो, है ना? वह किसी काम में व्यस्त हो सकता है, जिसकी वजह से उसके लिए बात कर पाना मुश्किल हो सकता है। बार बार तो उसे बार बार पिंग ना करें, क्योंकि उसका आपको या आपको उसका बार बार पिंग करना, कॉल करना इरिटेट कर सकता है। तो इस दौरान पूरा अटेंशन सिर्फ एक दूसरे को दें। ये टाइम भले ही थोड़ा हो, लेकिन रिश्ते के लिए काफ़ी अहम होता है, तो टाइम को मैनेज करें, टाइम डिसाइड करें कि किस टाइम बात करेंगे, और ये सब डिसाइड करें। तो यही थे कुछ टिप्स जो आपको आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप निभाने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो गाइस, फॉलो ज़रूर करिएगा, एंड थैंक्स टू सो मच। जस्ट
शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।